दोस्तों हमने ब्लूटूथ से फाइल कभी ना कभी तो शेयर की होगी। क्या आप जानना चाहते हैं ब्लूटूथ काम कैसे करता है और ये होता क्या है? अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम निशांत चौधरी, आप देख रहे हैं निशांत पार्थ। लेट्स स्टार्ट। दोस्तों अपने ब्लूटूथ के बारे में तुमने जाना कितनी ही बार सुना हो या फिर आपने बहुत बार ब्लूटूथ से कोई ना कोई फाइल सेंड की होगी, मगर ये ब्लूटूथ पहले जमाने में बहुत ज्यादा फेमस हुआ था, मगर अभी इसका उपयोग कम हो गया है क्योंकि जो वाईफाई है उससे फाइल ज्यादा फास्ट ट्रांसफर होती है। मगर आज बात करते हैं ब्लूटूथ काम कैसे करता है। ब्लूटूथ जो है वो आपके मोबाइल से जो रेडियो वेव होती है उन्हें ट्रांसफर करता है किसी दूसरे डिवाइस में जो ब्लूटूथ को रिसीव कर सकता है, यानी कि जो ये ब्लूटूथ है जो सेंड करता है वो दूसरे जो रिसीवर है दोनों में ब्लूटूथ होना जरूरी है। जो ब्लूटूथ सेंड करता है वो रेडियो वेव्स को भेजता है, साथ ही जो रिसीवर है वो उन रेडियो वेव्स को कैप्चर करता है। मगर ब्लूटूथ की स्पीड बहुत स्लो होती है क्योंकि एक डिवाइस में इतनी ज्यादा रेंज नहीं दी जा सकती कि वो ज्यादा हाई फाइल ट्रांसफर कर सके, यानी कि ज्यादा फाइल ट्रांसफर करने आपको ज्यादा गीगाहर्ट्ज़ चाहिए होगी। इसके लिए आपको इतने छोटे डिवाइस में इतनी ज्यादा स्पीड पॉसिबल नहीं है, मगर आप जो ब्लूटूथ 5.0 या फिर 4.0 उन्हें आपको बहुत ज्यादा बेहतर स्पीड मिलती है। मगर ब्लूटूथ के रेंज की बात करें तो इसकी रेंज लगभग होती है ज्यादा से ज्यादा 10 मीटर तक, क्योंकि जितनी डिवाइस के अंदर इतनी ज्यादा रेंज संभव नहीं है, इसलिए ब्लूटूथ आपको कम रेंज में देखने को मिलता है। इसकी स्पीड स्लो मिलती है वाईफाई के मुकाबले, वाईफाई स्पीड आपको ज्यादा मिलती है, साथ ही साथ क्योंकि वाईफाई की जो गीगाहर्ट्ज़ होते हैं वे तो कुछ नॉर्मल होते हैं, यानी 2.5 से 5 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में होते हैं, इसलिए उनकी स्पीड और रेंज आपको अच्छी मिल जाती है। ब्लूटूथ में ऐसा नहीं होता, ब्लूटूथ आपको फाइल शेयरिंग थोड़ी स्लो मिलेगी, साथ ही साथ इसकी रेंज कम होगी। मगर जो कई जो है वाईफाई पॉसिबल नहीं है उनके अंदर आप ब्लूटूथ से डिवाइस कनेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आपने कई बार देखा हुआ जो ईयरफोन आते हैं वो भी ब्लूटूथ में आते हैं, यानी कि उन्हें आपको तार लगाने की जरूरत नहीं है, सीधे ब्लूटूथ से आप उसमें ऑडियो प्ले कर सकते हैं। ये होते हैं ब्लूटूथ में, जो आपको बता चल चुका होगा ब्लूटूथ क्या होते हैं और ये कैसे काम करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।